Sikkim Chief Minister Prem Singh has visited Chungthang to take stock of the havoc wreaked by the floods in the state. The Teesta Stage 3 dam was washed away after flash floods had occurred. Right, viewers, joining us on the broadcast is my colleague Vijay Sharma. Vijay, over to you to give our viewers more details on this. देखिए निश्चित तौर पे कहना पड़ेगा चार तारीख को जिस तरह से तीस्ता नदी में जो बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी जिसके वजह से देखिए 25,000 लोग सिक्किम के प्रभावित हुए थे और तत्कालीन रूप से रेस्क्यू करते हुए सभी लोग जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया गया था सभी को सुरक्षित एक राहत शिविरों में रखा गया था। और उसके बाद प्रेम सिंह तमांग ने ये भी वहां के जो मुख्यमंत्री है सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा किया जितने भी लोगों का घर बाढ़ के चपेट में आने की वजह से खत्म हुआ उन्हें हाउसिंग जो उनकी योजना है उसके तहत उनको घर दिया जाएगा। स्टूडेंटों को 10,000 रुपए दिया जाएगा, अतिरिक्त 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह की घोषणा है। और पिछले दिन प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री जो डैम है चुंगथांग डैम पहुंचे और उस जगह का जायजा लिया और जायजा लेके जिस तरह से फ्लड की वजह से जो चुंगथांग डैम जो है उसमें काफी क्षति साधन हुआ था जिसकी वजह से पूरी सिक्किम सरकार पूरी चिंतित थी और फिर से कैसे चुंगथांग डैम को तैयार किया जाए और किस तरह सेफ्टी करके उसे तैयार किया जाए ताकि ऐसे भविष्य में इस तरह की अगर घटना का सामना करना पड़ेगा तो पहले ही सिक्किम की सरकार तैयार रहेगी। तो इस तरह का एक तरह से जायजा प्रेम सिंह तमांग ने लिया है। वहां जाके बड़ी टीम सिक्किम सरकार की गई थी और हर पहलू पर नजर डाला जा रहा है क्योंकि सिक्किम अभी भी पटरी पर नहीं उतरी है। काफी क्षति साधन हुआ है सिक्किम को इस बाढ़ की वजह से जो बादल फटी है तीसरा नदी के तूफान बाढ़ के चपेट में आने की वजह से। और चुंगथांग जो डैम है जिसमें फटने के कारण ज्यादातर नुकसान लोगों को हुआ है, सरकार को हुआ है क्योंकि तीस्ता नदी के ऊपर 13 पुल थे जो ढह गए बाढ़ के चपेट में और एक तरह से एक से जिला दूसरा जिला जो जोड़ने वाले जो पुल है वो भी क्षति साधन होने के कारण एक दूसरे से जिला से कनेक्टिविटी बंद हुई है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है, लोगों को रेस्क्यू लगातार अभी भी किया जा रहा है और जिस तरह से रेत जमी हुई है उस रेत हटाने का भी काम अभी लगातार सरकार कर रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.